हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद, एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्वाध्याय कृति ऑफ 9th चैप्टर। जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, आज हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्द संसार से। बहिष्कार करना मतलब बॉयकॉट करना, निकाल देना, त्याग करना। शैली मतलब रीति, प्रगति, ट्रेडिशन। भ्रमण मतलब घूमना। संकलन मतलब संग्रह। आइए स्वाध्याय कृति सॉल्व करते हैं। तो अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक ये कौन कौन सहायक थे? लेखक कौन था? स्नेही जी और अयोध्या सिंह जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये दो लोग उनके सहायक थे, स्नेही जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब पत्रिकाएं, एक सरस्वती, दूसरा गृहलक्ष्मी। तो ये दो चीज़ें उसकी पत्रिकाओं में भी सहायक थी। अब नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, पहला जो अनुभव उनका था वो कब आया? सन 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव में नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। मतलब कि उनकी पहली कविता कब बनी? जब 1928-1929 में साइमन कमीशन को बैन किया जा रहा था तब फूटी। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। मतलब नागर जी के जो पिताजी थे उनको उनका कौन सा गुण पसंद था? तो किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। तो किसी के दुख दर्द में पहुंचने का गुण उनको अपने पिताजी का बहुत पसंद था, तो वो इससे सबसे अधिक प्रभावित थे। अब यहाँ पे बोला है कि आप लोग इसमें क्लासिफाई कीजिए कौन सी कहानी है, कौन सा उपन्यास है, कौन सी कविता है, कौन सा अन्य है। तो कहानी में आएगा आपका अपशगुन और प्रायश्चित, कहानी में आएगा दोनों, ठीक है। अब अपशगुन और प्रायश्चित कहानी में आएगा, तो मैं काका लिख देता हूँ। काका नहीं, कक, ओ सॉरी। अब उपन्यास में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में आएगा, और महाकाल उपन्यास में आएगा, और खंजन नयन उपन्यास में आएगा। अब कविता में क्या क्या आएगा हम लोगों ने देखा था कविता का, कब लौ कहो कब लाठी खाए, तो ये कविता में आएगा, और गदर के फूल अन्य में आ जाएगा, यही बचा है। तो आप लोगों को समझ में आया सब? कब लौ कहो कब लाठी खाए कविता में, ये अन्य में, अब शगुन और महाकाल आ गया कहानी में, प्रायश्चित आ गया कहानी में, तो बाकी सब आ गए उपन्यास में। चलिए कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करने हैं नागर जी के समकालीन साहित्यकार, मतलब नागर जी के जो समय के साहित्यकार थे उनके हम लोगों को नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ। तो पहले थे प्रेमचंद, दूसरे थे शरद चंद्र, तीसरे थे माधव शुक्ल और चौथे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये चार लोग थे उनके समय के साहित्यकार, प्रेमचंद्र शरद चंद्र माधव शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब यहाँ पे कार्य पूछा गया है कि आलोचक के क्या कार्य होते हैं, और जो भी रचनाकार रहते हैं उनके क्या काम होते हैं। मतलब जब भी हम लोग कोई रचना करते हैं तो आलोचक क्या करता है, उसमें खामियां निकालता है। तो रचनाकार का काम होता है रचना करना, कोई भी चीज़ क्रिएट करना, और आलोचक का काम होता है समीक्षा करना, मतलब उसमें खामियां निकालना, समीक्षा करना। ये छतरी वाला छाया। चलिए नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, मतलब उनको कौन से विदेशी लेखक काफ़ी पसंद थे। तो पहले थे चेखव और दूसरे थे टॉल्स्टॉय। ये दो लेखक उनको विदेशियों में काफ़ी ज़्यादा
प्रभावित करते थे, पसंद थे। अब छठा हम लोगों का, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब एक शब्द में उत्तर लिखना है तो पहला क्वेश्चन है नागर जी के प्रिय लेखक, तो उनके फेवरेट हैं राम विलास शर्मा उनको काफ़ी प्रभावित करते थे। अब नागर जी के प्रिय आलोचक, मतलब जो भी आलोचनाएं करते थे उसमें से भी कुछ लोग उनको प्रिय होंगे, तो पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक, मतलब जो पत्र लेखक थे जो पाठकीय प्रतिक्रियाएं देते थे, पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक वो उनके प्रिय आलोचक थे। अपनी इस रचना से के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, कौन सी रचना के लिए? गदर के फूल के लिए, गदर के फूल। अब नागर जी का पहला उपन्यास, मतलब कि नागर जी ने सबसे पहला उपन्यास कौन सा लिखा था वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। महाकाल इनका पहला उपन्यास था। अब आगे बढ़ते हैं, छठे के बाद सातवां लिखिए। तद्धित शब्द का मूल शब्द लिखिए, मतलब कि हम लोगों को इसका बेस फॉर्म क्या होगा वो लिखना है। तो बेस फॉर्म साहित्यिक का बेस फॉर्म होगा साहित्य, और विलायती का बेस फॉर्म होगा विलायत, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है क्रुदंत शब्दों का मूल शब्द लिखिए, तो खिंचाव का होगा खींच प्लस आव, इसका बेस शब्द क्या होगा वो लिखना है। लिखावट का मूल शब्द होगा लिखना, लिख मूल शब्द है उसमें आवट जोड़ दिया है तो लिखावट बन गया है। अब तो देसी और विलायती का हो जाएगा यहाँ पे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, और दूसरा अपशगुन का हो जाएगा अमृतलाल नागर, अपशकुन का अमृतलाल नागर, और आनंद मठ का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और रामचरितमानस तो सब जानते हैं तुलसीदास ने रचित किया था इसको। तो ये हो गया हमारा पूरा जोड़ियाँ मिलाइए। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, लास्ट वाले में बोला है ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, मतलब कि जो हम लोग वाचन करते हैं, वाचन मराठी में कहते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो आनंद प्राप्त, ज्ञान और आनंद दोनों की प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन है। इस पर अपने विचार लिखें, विचार लिखे हुए हैं बस उन विचारों को याद करते हैं। चलिए लिखते हैं अपने विचार। तो कहते हैं पुस्तक मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है, बिल्कुल सही बात है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं लाइब्रेरी में। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की, मतलब पुस्तकें तो बना दी यार बट पढ़े कौन, पढ़ता कौन है। तो पुस्तकें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। पुस्तकें पढ़ने के लिए से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अब अद्भुत ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो गाइस ज्ञान तो प्राप्त होता ही है बट उसके साथ साथ अद्भुत ज्ञान भी प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता है, नो वन इज़ परफेक्ट, सुना ही होगा आपने। मनुष्य बहुत सारी बातें देख सुन और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करता है, विद्यार्थी भी ज्ञान अर्जन करते हैं। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता है, उसे ज्ञान अर्जन के लिए और की आवश्यकताएँ होती है, मतलब कि बड़े होने के बाद और भी पुस्तकों की ज़रूरत होती है। वह अपने पसंद वाले विषय की खुराक पुस्तकें पढ़ता है, और ही IAS, PCS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान तथा आनंद पे ये बहुत ही बढ़िया सा स्वामत है, स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो 10वें चैप्टर का स्वाध्याय कृति सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।